आधार कार्ड के न्यू पोर्टल लॉन्च हो गया है। मैं आपको न्यू पोर्टल से ये बताऊंगा कि किस तरीके से बिना कहीं भाग दौड़ किए, बिना आधार सेंटर जाए, आप किस तरीके से नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस में आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप से किस तरीके से सुधार कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। सो गाइस, मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोज़ पाइए आप जाना। तो मैं आपको आधार कार्ड के न्यू पोर्टल से ये बताऊंगा किस तरीके से आप जो है एड्रेस चेंज करेंगे, इसी तरीके से आप जो है नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ आप कुछ भी जो है चेंज कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 50 रुपये में। तो आपको कहीं भाग दौड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको 100-200 रुपये खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि किस तरीके से जो है हम एड्रेस चेंज करें, किस तरीके से नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ कैसे चेंज करें। तो आपको करना क्या है, ये सब चेंज करने के लिए आपको इस वीडियो को भैया लास्ट तक देखना होगा, तभी आप समझेंगे किस तरीके से आधार कार्ड के न्यू पोर्टल से आप जो है ये सब काम घर बैठे कर सकते हैं बिना आधार सेंटर जाए। अभी के टाइम में आप जो है सेंटर जाते हैं तो वहाँ पर जो है अगर आपको उस दिन भीड़ भाड़ रहता है तो आपको नेक्स्ट डेट दे देगा और उस डेट में आपको जाना पड़ेगा और वहाँ जाने के बाद जो है आपको 100-150 रुपये तक आपको वहाँ पे देना पड़ता है आधार सेंटर पे। तो यहाँ से जो है आप जो है ऑनलाइन जो है कुछ भी चेंज करना चाहते हैं, जैसे नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, तो वो जो है आप 50 रुपये में घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से कर सकते हैं। तो कैसे जो है न्यू पोर्टल से ये सब करना है, ये सब देखने के लिए भैया आपको इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना होगा, तभी जो है आप बहुत ही ईजी, बहुत ही आसानी से आप घर बैठे ये सब काम कर सकते हैं। इस वीडियो को आप कम्प्लीटली जरूर देखिएगा, तभी आप सब कुछ सीख पाएंगे किस तरीके से आधार कार्ड के न्यू पोर्टल से आप जो है ये सब काम कर सकते हैं। तो इससे पहले मैं आपको ये बताया हूँ कि आप पीवी से आधार कार्ड के लिए कैसे आप जो है ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वो भी जो आधार कार्ड के न्यू पोर्टल से, तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में भी मिल जाएगा, तो वो भी वीडियो आप बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आधार कार्ड के न्यू पोर्टल से मैं आपको ये बताऊंगा किस तरीके से अपने आधार कार्ड में आप जो है नाम, ये डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस कैसे आप जो है चेंजिंग कर सकते हैं। मैं आपको नए पोर्टल से ये सब आपको करके आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले क्या करना है, आप जो कोई ब्राउज़र को ओपन कीजिएगा और इसमें आपको टाइपिंग कर देना है UIDAI। यहाँ पर देखिए UIDAI.gov.in आ चुका है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए ऊपर में ही आपको जो है myaadhar.uida.gov.in का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ ओके वाले पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए आधार कार्ड के जो है न्यू पोर्टल यहाँ पर ओपन होकर आ चुका है। यहाँ पर सबसे पहले आपको लॉगिन करना है, तो लॉगिन वाले पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अपना आधार नंबर डालना है। ये कैप्चा आपको नहीं आता है तो यहाँ से कैप्चा को आपको रिफ्रेश कर देना है, कैप्चा आ जाएगा, कैप्चा आपको यहाँ पर डालना है। सेंड OTP पे क्लिक कीजिएगा, जो मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड से लिंक है उस पर OTP आएगा, वो OTP यहाँ पर डाल के आपको लॉगिन वाले पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए कि OTP आ चुका है, आप जो भी आपके पास OTP आएगा वो OTP यहाँ पे आपको डाल देना। जैसे मेरे केस में यहाँ पे OTP आ चुका है, मैं यहाँ पे OTP डाल देता हूँ, तो ध्यान रहे कि रजिस्टर मोबाइल नंबर है उसी पे OTP आएगा। तो यहाँ लॉगिन वाले पे क्लिक कीजिएगा, जैसे लॉगिन वाले पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो है आपको न्यू पेज पर जो यहाँ पर ले जाके ओपन कर देगा। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो है यहाँ पर न्यू पेज यहाँ पर ओपन होकर आ रहा है, तो आपको कुछ वेट कर लेना है। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ से जो है आप जो है डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हैं, जेंडर, एड्रेस और नाम यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं आपको सामने कुछ इस तरीके से यहाँ प्रोसेसिंग आपको दिखाएगा। यहाँ पर देखें प्रोसीड टू अपडेट आधार, आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे करने के बाद यहाँ पर देखिए आप नाम जो है करेक्शन कर सकते हैं, आप जो है यहाँ पर टू अपडेट लेफ्ट है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जो है वन टाइम और जेंडर आपको वन टाइम आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो है एड्रेस आप जो है चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो है आप जो भी चेंज करना है उस पर आपको इस तरीके से क्लिक कर देना है। यहाँ प्रोसेस टू अपडेट आधार वाले पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरीके से ये प्रोसेसिंग हो। यहाँ पर देखिए एड्रेस पर भी और पेमेंट, तो यहाँ आप देखिए आपका पूरा यहाँ पर आपका एड्रेस वगैरह आ जाता है। इसके बाद यहाँ पर जो है डिटेल टू भी अपडेट का जो है आप जो भी अपडेट करना चाहते हैं उसका जो है एड्रेस आपको यहाँ पर डालना है, ये पहले वाला आपका एड्रेस आ जाता है।
इसका पूरा फिलअप करना है, यहाँ से आपको पूरा फिलअप करना है। आपको यहाँ पर देखिए इस तरीके से यहाँ पर हाउस नंबर, बिल्डिंग नंबर, अपार्टमेंट नंबर, यहाँ घर भवन हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। तो जो इंग्लिश में है ये नीचे हिंदी में है। तो इस तरीके से आपको एरिया, लोकेलिटी, सेक्टर आप देख रहे हैं, क्षेत्र, इलाका, सेक्टर, तो यहाँ पर जो है अपना जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों तरीके में आता है। तो ये आपको अच्छी तरीके से भर देना है। यहाँ पर जो है सीमा चिन्ह मतलब लैंडमार्क क्या है, इस पर पिन कोड डालना है, विलेज, टाउन, सिटी डालना है, इस पर पूरा जो है यहाँ डाक बंगला, डिस्ट्रिक्ट, जिला, स्टेट, राज्य डाल। यहाँ से देखिए कि आप जो है सेलेक्ट वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है आपको इसमें से चूज कर लेना है। इसमें आपको ढेर सारा डॉक्यूमेंट मिल जाता है, तो जो भी आपके पास है वो आपको इसमें से चूज कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पर जो है चूज करता हूँ बैंक स्टेटमेंट, तो इस तरीके से आपको चूज कर देना है। इसको यहाँ पर आपको अपलोड भी करना है, तो यहाँ पर कंटिन्यू टू अपलोड पर क्लिक कीजिएगा और जहाँ भी आप जो है रख रखे हैं वहाँ से आपको जो यहाँ पर अपलोड कर देना है। यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट आ चुका है, इस यहाँ पर 100% जो है आपका अपलोड हो चुका है। यहाँ पर देखिए पूरा चीज़ यहाँ फिलअप हो चुका है। यहाँ पर आपको नेक्स्ट वाले पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पर देखिए कि आप जो है परवी वाले पेज पर लेके जाकर ओपन करेगा। यहाँ पर देखिए कि आप जो भी एड्रेस डाले हैं न्यू एड्रेस वो आ चुका है और यहाँ पर आपका पूरा एड्रेस आ चुका है। आपको क्या करना है, यहाँ पर एग्री वाले पे क्लिक करके दोनों वाले को एग्री कर देना है, टिक लगा देना है और यहाँ पर नेक्स्ट वाले पे क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट वाले पे क्लिक करते हैं तो आप जो है पेमेंट गेटवे पे ले जाके यहाँ पे ओपन करेगा। यहाँ पर देखिए कि आपके सामने में कुछ इस तरीके से ये जो है पेज ओपन होके आ चुका है। यहाँ पर देखिए कि आप चार्ज जो है 50 रुपया कटेगा यहाँ पर अपडेट का, तो आपको इस वाले पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो है आप इसके टर्म एंड कंडीशन को जो है एक बार रीड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर टर्म वाले को एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ मेक पेमेंट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे मेक पेमेंट पे क्लिक करते हैं तो ये जो है पेमेंट गेटवे पे ले आके ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि आप जो है 50 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग वॉलेट और पेटीएम से आपको जो है पेमेंट करना पड़ेगा। तो आप जैसे मैं यहाँ पर जो है कार्ड वाले को चूज़ करता हूँ, यहाँ पर अपना कार्ड नंबर डालेंगे, एक्सपायरी मंथ और ईयर डालेंगे, CVV नंबर डालेंगे, कार्ड होल्डर का नाम डाल के यहाँ पर टर्म को एक्सेप्ट करके यहाँ प्रोसीड वाले पे क्लिक कीजिएगा। तो आपके अकाउंट से 50 रुपये कट हो जाएंगे और ये आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। आपके जो आधार कार्ड पे ये नया एड्रेस जो है अपडेट हो जाएगा। सो गाइस, यहाँ से जो है बहुत ही इजी तरीका से आप जो है न्यू पोर्टल से नाम, जेंडर, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ जो है बहुत ही आसानी तरीका से आप जो है घर बैठे अब कर सकते हैं। अब आपको आधार सेंटर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको यहाँ पे 50 रुपये में ये सब काम कर सकते हैं। गाइस, ये जो है बहुत ही शानदार जो है पोर्टल है। इस पोर्टल से आप घर बैठे कोई भी काम जो है कर सकते हैं, जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और एड्रेस है चेंज कर सकते हैं। यहाँ से जो है न्यू पोर्टल से PVC कार्ड भी अप्लाई कर सकते हैं, आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वेरीफाई कर सकते हैं, बायोमेट्रिक कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो गाइस, ये न्यू पोर्टल से आप बहुत सारा काम कर सकते हैं। तो गाइस, ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। सो गाइस, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि किस तरीके से आधार कार्ड के न्यू पोर्टल से आप जो है नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस आप कैसे घर बैठे बिना आधार सेंटर जाए, बिना आपको इधर उधर भाग दौड़ किए, बिना आपको 100-200 रुपया खर्चा किए, वो भी आप 85 रुपये में आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन से, लैपटॉप से आप जो है इस सब में आप करेक्शन कर सकते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।